श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास घटा छटानक सिख उठे सावर गौर विलास घन प्रगट और रीति को जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी जी महाराज के महाप्राकट्य महोत्सव की आप सभी वैष्णव जनों को समस्त हरिदासी परिकर को एवं समस्त गुरु भाई बहनों को अनंत अनंत कोटि मंगल बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार हम सभी को ज्ञात है कि श्री धाम वृंदावन में और जन जन में ये बात ज्ञात है कि भादो शुक्ल अष्टमी के दिन बरसाने में श्री किशोरी जी का प्राकट्य महामहोत्सव बनाया जाता है, परंतु ये राधा अष्टमी का जो दिवस है, राधा अष्टमी की जो पावन बेला है, श्री स्वामी जी का जब धराधाम पर प्राकट्य हुआ तब से आचार्यों ने कहा कि रस निधि स्वामी अष्टमी आई और राधा अष्टमी को स्वामी अष्टमी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि संपूर्ण ब्रजमंडल और संपूर्ण बरसाना, संपूर्ण सृष्टि, कहा जाए तो निधवन राज की एक एक लता पता श्री स्वामी जी को पाकर जब श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य हुआ तो मानो धन्य हो गई। और इस बार श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य महामहोत्सव दिनांक 14 सितंबर धाम वृंदावन में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसका संत समाज में पूर्व से ही, एक सप्ताह पूर्व से ही समाज गायन उत्सव इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं और सभी संत, सभी रसिक, कहा जाए तो संपूर्ण सृष्टि, क्योंकि सावन के पश्चात भी अब भी श्री धाम वृंदावन में बारिश की भय फुहारे पड़ रही हैं, मानो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण देवी देवता स्वामी जी का महाअभिषेक करने के लिए तत्पर हो चुके हैं। और वृंदावन की रज रानी और लता रानी मानो उस उत्सव को मनाने के लिए उत्साहित और हर्ष से भर चुकी हैं। ऐसी मंगलमय बेला और वह राधा अष्टमी, जिसको आचार्यों ने कहा कि रस निधि स्वामी अष्टमी आई, भादो शुक्ल पक्ष रसिकन हित ललित केली संगलाई, रस निधि स्वामी अष्टमी आई, साधुन के अनुराग भयो अति प्रेम बढ़ो अधिकाई, रस निधि स्वामी अष्टमी आई, श्री हरिदास रसिकवर प्रगटे गौर श्याम सुखदाई, रस निधि स्वामी अष्टमी आई। कि जो राधा अष्टमी के नाम से आज का दिन जाना जाता था, वह जब स्वामी जी महाराज का प्राकट्य हुआ तो आचार्य ने कहा कि रस निधि स्वामी अष्टमी, अर्थात जो अथा रस की निधि है, जो प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी की निधि है, वह निधि प्रकट होने वाली है किस दिन, अष्टमी के दिन। और उस दिन कौन प्रकट होने वाला है, जन जन के जो रस देने वाले और जिनका प्राकट्य ही रस देने के लिए हुआ, कि रसिकन को रस देन को प्रगटे रसिकानंद, आगे हुए न होएंगे पूर्ण आनंद कंद, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज पूर्ण आनंद कंद, पूर्ण आनंद के कंद स्वरूप और रस के साक्षात विग्रह स्वरूप जो अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि है, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य होने वाला है श्री धाम वृंदावन में रजपुरा गांव के निकट गंगाधर जी के घर पे। और इसलिए आचार्यों ने उस अष्टमी को कहा कि रस निधि स्वामी अष्टमी आई, कि स्वामी जी तो अभी आए नहीं, सिर्फ अष्टमी आई, और वह अष्टमी कैसी है कि रस से भरी हुई वह निधि, और आगे क्या हुआ जब वह अष्टमी आई। तो आचार्य कहते हैं, भादो शुक्ल पक्ष रसिकन हित ललित केली संगलाई, जो ये भादो शुक्ल पक्ष का महीना है, जो भादो शुक्ल पक्ष है, ये क्या हुआ, रसिकन हित, रसिकों के हित में मानो रंग, जो रसिकों का हित है, सबसे बड़ा हित रसिकों का हुआ, कैसे, ललित केली संगलाई, जो ये अष्टमी है, ये खाली ही नहीं आई, ये त्योहार, ये उत्सव एक तिथि बन के ही नहीं आया, अपितु ललित केली संगलाई, कि ललित केली अर्थात जो प्रिया प्रीतम का दिव्य चिन्ह में नित्य वृंदावन था, जो अब तक सबसे दुर्लभ हुआ था, मानो साक्षात उस रस निधि के रूप में आज धराधाम पर प्रकट होने वाला हो, ऐसा रसमयी रस निधि जिसको अष्टमी कहा। और कहा, साधुन के अनुराग भयो अति प्रेम बढ़ो अधिकाई, जो जितने भी साधु, जितने भी संत रसिक श्री धाम वृंदावन में थे, जो एक रस की बूंद के प्यासे थे, मानो उनके लिए अथा रस की वह अष्टमी, अथा रस का वह सागर प्रकट होने वाला हो। और उनके हृदय में क्या हुआ,
प्रेम बढ़ो अधिकारी की उस अष्टमी के आने पर ही मानो उनके हृदय में प्रेम का अथाह समुद्र उमड़ पड़ाओ, ऐसी वह रस निधि स्वामी अष्टमी बनी। और श्री हरिदास रसिकवर प्रगटे गौर श्याम सुखदाई कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का महाप्राकट्य हुआ, और जब प्राकट्य हुआ तो गौर श्याम सुखदाई की वह तो गौर श्याम अर्थात बिहारी बिहारिन को भी सुख देने वाले कि करता मन करता सही करता श्री हरिदास और करता सुख इन सोलहे महाप्रेम रसराज, जो संपूर्ण विश्व के कर्ता श्री बिहारी जी हैं, जिन बिहारी जी के प्रकट होने से पूर्व कहा जाए आज हम जिस विग्रह का जिस बिहारी जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं वह बिहारी जी जो रस विग्रह रूप में प्रकट हुए वह इच्छा विग्रह धर लीला बहु सब अवतारन पर अवतारी और नित्य किशोर निरंतर बिहरत सेवत श्री हरिदास दुलारी कि उनको कौन सेवित करता जो लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ इनते कौन बड़ो अधिकारी कि जो लक्ष्मीपति ब्रजपति को भी दुर्लभ रस था उसकी सेवा किसने की उसको किसने सेव्य बनाया उसको हरिदास दुलारी श्री ललिता महारानी ने बनाया। कहा जाए तो जिस प्रकार कहा करता सुख इन सोलह की जो संपूर्ण सृष्टि के जिस प्रकार आपने पूर्व की वीडियो में आप लोग जान रहे हैं कि मूल में बिहारी जी ही हैं सबके, तो इस प्रकार उन बिहारी जी भी जो सबके करता है उनको भी सुख देने वाले श्री स्वामी जी महाराज धरा धाम पर प्रकट हुए। और जब श्री स्वामी जी महाराज भादो शुक्ल अष्टमी के दिन संबत 1537 को गंगाधर जी के घर पर प्रकट हुए और आशुधीर देव जी द्वारा उनकी मंत्र दीक्षा हुई और उनको नाम दिया गया श्री हरिदास। कहा जाए तो श्री स्वामी जी का नाम आशुधीर देव जी के मुख से प्रकट हुआ, परंतु यहाँ पर स्वामी जी का नाम ही आज हम लोगों के लिए प्रकट है और श्री स्वामी जी का नाम है अर्थात श्री स्वामी जी महाराज साक्षात हम लोगों के लिए नाम के रूप में वाणी के रूप में आचार्य रूप में प्रकट हैं। और इसीलिए आज हम सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ और कहा जाए उस आनंद की उस रस की अनुभूति सभी रसिकों को कराई जो रस से सभी लोग वंचित थे। और इसीलिए आचार्यों ने फिर गाया और कहा कि हमारे स्वामी शिरोमणि आए अति आनंद भरे सुख राशि महाप्रेम झर लाए, हमारे स्वामी शिरोमणि आए श्री रसिक शिरोमणि परम प्रीति सो हसे हसे के बतराए, हमारे स्वामी शिरोमणि आए श्री ललित किशोरी की निज जीवन कुंज के लिए दर्शाए, हमारे स्वामी शिरोमणि आए। वह पावन मंगल में बेला भादो शुक्ल अष्टमी का दिन संबत 1537 क्या वर्णन किया जाए, मानो कंठ अविरुद्ध हो जाता है कि जिस रस को कह ही नहीं सकते। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि बेकार यो दे जान कहा बत और जान परियो की कहा परिवार। तो ऐसे आचार्य का प्राकट्य बनाने में भी उत्साह तो होता है परंतु फिर भी मानो एक बार को कंठ रुक जाता है कि कैसे उस रस का वर्णन किया जाए कैसे उन्हें बधाई दी जाए। ये तो आचार्यों की कृपा और वाणी का आश्रय लेकर हम लोग बधाई कह पाते हैं बधाई गा पाते हैं और बधाई दे पाते हैं, अपितु ये शरीर और कहा जाए तो आपका तो पता नहीं परंतु ये दास स्वामी जी का जस रस वर्णन करने में बिल्कुल असमर्थ है। आज तक जो भी वर्णन किया सिर्फ आचार्य वाणी के आश्रित होकर उन्हीं की कृपा से उन्होंने जो कुछ कहलवाया और आगे जो भी वर्णन करवाए ये उनकी कृपा है, परंतु दास बस आचार्य वाणी का आश्रय लेकर आचार्य कहते हैं कि हमारे स्वामी शिरोमणि आए कि हमारे स्वामी शिरोमणि अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसित चक्र चूड़ामणि महामधुर रसार नित्य विहार प्रकाशक अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास, जिनके नाम के पूर्व में इतनी उपाधियां रसिक आचार्यों द्वारा उन्हें प्राप्त हुई, ऐसे शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य हुआ और जब प्राकट्य हुआ तो अति आनंद भरे सुख राशि महाप्रेम झर लाए। अति आनंद से भरे हुआ जो महल में दुरा हुआ प्रिया प्रीतम की दिव्य केली मानो साक्षात श्री स्वामी जी महाराज के रूप में धरा धाम पर प्रकट हुई। प्रिया प्रीतम को अपने अंक में भरकर श्री स्वामी जी महाराज महल से धरा धाम पर श्री हरिदास रूप में प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो श्री रसिक शिरोमणि परम प्रीत सो हस हस के बतराए, आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी अपनी वाणी में वर्णित करते हैं और कहते हैं कि जी हमारे श्री गुरुदेव श्री रसिक देव जी से श्री स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष होकर
हंस हंस के बताए, ऐसे हमारे स्वामी शिरोमणि आए। और अंतिम लाइन जो इस बधाई की आचार्यों ने वर्णन करी, उसमें देखें और विचार करें तो क्या कहते हैं, श्री ललित किशोरी की निज जीवन कुंज केली दर्शाए, कि जो आचार्य चरण श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, उन्होंने ललित किशोरी की निज जीवन, जो आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी हैं, उनकी जीवन अर्थात उनका पूरा जीवन जो है वह दर्शा दिया। कैसे, ललित कुंज केली दर्शाए, जब वह कुंज केली का दर्शन कराया, जब वह कुंज केली प्रकट हुई, तो मानो आचार्य चरण ने पूरा अपना जीवन उस जीवन को लगाया, तब वह कुंज केली का उन्हें दर्शन हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य ना हो, जब तक हमारी शरणागति अनन्य ना हो, जब तक, क्योंकि आचार्य कहते हैं ललित किशोरी की निज जीवन की, जब तक अपना जीवन सर्वस्व स्वामी जी के चरणों में न्योछावर न किया जाए, तब तक उस कुंज केली का दर्शन नहीं हो सकता। इस बार हम लोग श्री स्वामी जी महाराज के महाप्राकट्य उत्सव पर ये प्रण लें और प्रयास करें, क्योंकि हम संकल्प कर सकते हैं उनके बल पर, पूर्ण तो वह स्वतः ही करा देते हैं, परंतु हमारी दुविधा ये है कि हम वह संकल्प भी नहीं करते, हम वह प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने तो आज्ञा नहीं की, हमारे गुरुदेव तो हमें कुछ नहीं कहते, चाहे हम कोई भी उपासना कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी पद्धति अपना रहे हैं, परंतु देखो यदि गौर से यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन करोगे तो अष्टादश सिद्धांत किसने बोला है, अष्टादश सिद्धांत स्वयं श्री स्वामी जी महाराज का है, अष्टाचार्यों की वाणी क्या है, जिसके माध्यम से आज हम सभी लोग चर्चा करते हैं, सभी लोग उसका अध्ययन श्रवण मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, और श्रवण करने के पश्चात अनेकों साधकों के जीवन में परिवर्तन भी आया, जिनके फोन कॉल्स भी आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये वाणियाँ ये सब क्या है, यही सब तो श्री स्वामी जी का साक्षात स्वरूप है। आज केली माल क्या है, केली माल श्री स्वामी जी महाराज का हृदय ही तो है, जिसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, वाणी कहे सेवक उर्धारे, तो गुरु प्रत्यक्ष निस्तारे, कि जो वाणी है वही गुरु है और गुरु ही वाणी है। यदि हम अपने आचार्य वाणियों पे विश्वास करें और अपने हृदय में धारें कि वाणी कहे सेवक उर्धारे, तो गुरु प्रत्यक्ष हुआ, तो हम देखेंगे श्री स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष हमें दर्शन देंगे और हमें हर समस्या हर दुविधा से निकाल कर उस नित्य केली का दर्शन करा देंगे, जिस केली के लिए आचार्य चरण कहते हैं श्री ललित किशोरी की निज जीवन कुंज केली दर्शाए, हमारे स्वामी शिरोमणि आए। तो जब हमारे स्वामी शिरोमणि आए, हमारे श्री स्वामी जी महाराज आए हैं और वह वाणी के रूप में हमारे समक्ष हैं, गुरुदेव के रूप में हमारे समक्ष हैं, आज आज्ञा जो भी वाणी से होती है वो साक्षात श्री स्वामी जी के मुख से होती है, क्योंकि उसमें दास तो सिर्फ एक स्पीकर एक माइक है, परंतु कहती तो वह वाणी ही है। यदि हम उस वाणी का आश्रय लेकर चलें तो इस उत्सव पर स्वामी जी का प्राकट्य का क्रम बताना आप लोगों को पूर्व में भी बताया है, और यदि जिन लोगों ने श्रवण ना किया हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, स्वामी जी के प्राकट्य कैसे हुआ, कब हुआ, और पंच ऋषियों का उद्धार स्वामी जी महाराज ने उन्हें नित्य विहार कैसे प्राप्त कराया इत्यादि। परंतु विचार हमें ये करना है कि उस लीला को श्रवण करके और इस बार स्वामी जी महाराज के प्राकट्य उत्सव पर हम सभी लोग प्रयास करें, जो हमारे आचार्यों द्वारा वाणी में लिखा गया है, जो आचार्य वाणी है, क्योंकि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, गुरुवन को गुरु श्री हरिदास आसु जी को, जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं, हम उनकी वाणी पर संदेह करें, हम उनके द्वारा बताए अष्टादश सिद्धांत उस पर ना चलें, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर ना चलें, तो फिर हम गुरुमुखी कहाँ हुए, हम शरणागत कहाँ हुए, कहा जाए तो हमारी शरणागति ही पुष्ट नहीं हुई। हम प्रयास करें इस बार कि जो भी हम चर्चा श्रवण करते हैं, जो भी हम मनन करते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, उस पर चलने का प्रयास करें, और श्री हरिदास नाम जो है वह तो सब मंत्रण को सारा, आगम निगम पुराण पुकारें श्री गुरु रूप हमारा, कि वेद पुराण भी जिसे अपना गुरु रूप मानते हैं, जिन स्वामी जी को अपना गुरु रूप मानते हैं, हम अपनी बाहर मूर्खता के कारण जो हम इधर उधर भटकते फिरते हैं, जिन्हें वेद भी अपना गुरु मानते हैं, उन गुरु को छोड़कर अन्य छोटे छोटे बातों पर यकीन करना, छोटी छोटी क्रियाओं पर
कर्म कांडों पर यकीन करना इन सब को छोड़कर बस एक आश्रय श्री स्वामी जी के चरणों का लें कि मोहे भरोसो स्वामी जी को और करें अपनो आप बरोबर प्राण आधार है पी को कि हे स्वामी जी महाराज मुझे तो आपके चरण कमलों का भरोसा है और ये भरोसा भी आप ही कृपा करके मेरे चरणों में दृढ़ करो क्योंकि दास की इतनी मति नहीं कि आपके चरणों में भरोसा कर पाए। ये माया जो है तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र तो ये तो बार बार मुझे बहका देती है। और श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं हे हरि मोसो ना बिगाड़न को तोसो ना सवारन को कि आप ही संवारने वाले हो मैं तो बिगाड़ने वाला हूँ। स्वयं श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं जिन स्वामी जी महाराज की समाधि स्थिति है कि देह विदेह भय जीवत बिसरे विश्व विलास अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास जिनकी समाधि जब लगती है तो देह है या विदेह ये तक भूल जाते हैं। वह श्री स्वामी जी महाराज बिहारी जी से कहते हैं क्या कि हे हरि मोसो ना बिगाड़न को और तोसो ना सवारन को कि मैं तो बिगाड़ता ही जा रहा हूँ आप ही संवारने वाले हो। परंतु ये मीठी सी वार्ता ये अपनी दासता और एक अनुभव ये सब हमें कब पता चलेगा हम कैसे सीखेंगे बात करना बिहारी जी से ये तो स्वामी जी की वाणी ही हमें सिखा सकती है स्वयं स्वामी जी ही सिखा सकते हैं। परंतु हम अष्टादश सिद्धांत को सिर्फ सिद्धांत समझ कर पढ़ते हैं। यदि हम देखें कि प्रत्यक्ष में श्री स्वामी जी महाराज ही हमें समझा रहे हैं तो देखो फिर वाणी गुरु गुरु है वाणी तो उस वाणी में अमृत सारे जिन्हें कहा कि श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रन को सारा। इस प्रकार जब स्वामी जी के नाम का आश्रय लोगे उनके चरणों का अनन्य आश्रय लोगे तभी वह कुंज केली का दर्शन होगा। इस बार प्राकट्य की आप सबको अनंत कोटि मंगल बधाई और साथ ही निवेदन है कि श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों का अनन्य आश्रय लेकर उत्साह के साथ इस उत्सव को और उत्सव क्या महा महोत्सव को जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड मानव बना रहा है और मनाएगा आगे जन जन क्योंकि कलिकाल में श्री स्वामी जी महाराज रसिकों को रस देने को प्रकट हुए हैं और आज भी प्रकट हम लोगों के मध्य में ही है। आज जो हमारे हृदय में उत्साह है आज जो हमारे गुरुदेव बैठे हैं आज जो उत्सव हो रहा है आज जो वाणियों की चर्चा हो रही है कोई और नहीं साक्षात श्री स्वामी जी महाराज का रस स्वरूप और श्री स्वामी जी महाराज का रस है जिसके अनन्य आश्रित होकर ही इसका पान किया जा सकता है। क्योंकि तुम श्री हरिदास नाम लोगे एक बार भी तब भी उस नित्य विहार का झांकी होगी परंतु सोचो यदि एक बार नाम लेने पर थोड़ी झांकी हो जाए तो जो पूर्ण आश्रित हो जाए उसको क्या प्राप्त नहीं हो सकता। तो पूर्ण आश्रित होकर श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में नित्य जपो निरंतर जपो श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।